अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे देवी, हमारे जाने के बाद हमारे गर्फिम जी को, हमारे परिवार का, हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखिए। उन्हें कभी भी हमारी कमी महसूस मत होने दीजिए। आज 3 हफ्ते हो चुके, हम जानते हैं गर्फिम जी हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, पर आप उनको इतनी हिम्मत दीजिएगा कि वो हमें भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ पाए। ये हमारी मन्नत का धागा कैसे टूट गया? माता रानी हमारी इच्छा पूरी नहीं करना चाहती है क्या? फोटो छपी है, आपने तो अपनी फोटो खिंचवाई नहीं, पर मेरी फोटो आ गई। और वो जो चीफ गेस्ट है ना, उनके साथ भी मेरी फोटो है। वो जो शिव्यम जी आए थे कल। अरे दीदी, उनका नाम शिव्यम नहीं, दिव्यम है। आओ ना दीदी, फोटो देखो। तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी। दीदी आप रो क्यों रहे हो? आपको फोटो अच्छी नहीं लगी है? नहीं बिट्टू, फोटो तो इतनी अच्छी है कि मन कर रहा है इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखे। दीदी फोटो दो ना, मैं सबको दिखा के आता हूँ। इसलिए हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि दिव्यम जी हमारे पास है, हमने उनकी आवाज भी सुनी थी, वो हमारे इतने करीब थे, फिर भी हम उनको पहचान नहीं पाए और ना ही देख पाए। दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना, तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए। दिव्यम जी यहाँ इस गांव में आए थे, यानी वो फूड कॉम्पिटिशन भी उन्होंने जानबूझकर ही रखा होगा ताकि वो हम तक पहुंच पाए। बेचारे हमें ढूंढने के लिए घर घर फूड कॉम्पिटिशन कर रहे, पर एक हम है जो उनके इतना करीब होते हुए भी उनसे दूर जाए। देवी मैं, क्या घर छोड़कर हमने सही किया है? देवी जी को छोड़कर जाने का फैसला सही था या गलत? अब कोई तो इशारा दीजिए हमें प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, गांव के सरकारी अस्पताल में मेडिकल कैंप लगा है, सब लोग मुफ्त में अपनी जांच करवा सकते हैं। कहीं
तेरी माता का कोई इशारा तो नहीं। वैसे भी मैं ना ही कोई शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही और ना ही कोई बीमारी। पिछले चेकअप करवाए हुए भी 3 हफ्ते हो चुके हैं। हमें वापस से चेकअप करवा लेना चाहिए क्या? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं 2 से नए नाम मिलाए गए के सारे शानदार एपिसोड्स। जिंदगी में बस ना इसी मौज की कमी थी। इस घर के दूध में कितनी गाड़ी मड़ाए जमती है। काम करते और खाते। तीन हफ्ते हो गए असली राधिका को गए हुए, लेकिन तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो रहा है। होगा भी कैसे, तुम्हारी अय्याशियां जो खत्म नहीं हो रही हैं। 3 हफ्ते पहले असली राधिका दिखी थी दिव्यम को, एक तुम्हारी टाला मटोली की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाए। इससे पहले कि दिव्यम को फिर से राधिका दिखे और वो कुछ ऐसा करे जो हम नहीं चाहते हैं, इससे पहले तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और इस घर से निकलो। ये लो। ये क्या है? अभी बताते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ एक खेलने वाली चीज है। ये एक दिखावटी लिक्विड है जो कि नुकसान नहीं करता और ना ही हानिकारक होता है, लेकिन हाँ, इंसान इसको जब पीता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको जहर दिया गया है। ये सब तो ठीक है मैडम जी, पर हमें इसका क्या करना है? समझी? अब तुम हमें ये लिक्विड खाने में मिला करके दोगी और जैसे ही हम उसे खाएंगे वैसे ही हमारे मुंह से झाग निकलने लगेगी और सबको लगेगा तुमने हमें खाने में जहर दिया है, तुमने हमें मारने की कोशिश की है। और इसके बाद दिव्यम तुम पे बहुत नाराज हो जाएगा, तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। उसके बाद असली राधिका के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और वो इस घर की चौखट को कभी नहीं देख पाएगी। समझी? अब जल्दी से खीर बनाओ और हमारे इशारे का इंतजार करना। आप ये पकड़ो। सिस्टर, हमारी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? आपने नंबर दे दिया है ना, आपको शाम तक मिल जाएगी रिपोर्ट। थैंक यू। हे भोलेनाथ, हमने चेकअप तो करवा लिया है, अब बस आप कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिएगा जिससे हमारी रिपोर्ट में कोई बीमारी ना आए, हम बिल्कुल स्वस्थ हों। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।